तो आगे इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीट इवेंट। अभी हमने अभी वर्कबुक इवेंट के बारे में सीखा, अब हम बात करेंगे सीट इवेंट। जैसे हमने आपको समझाया है ऊपर में कि हमारे पास वर्कबुक के दो नाम से जानते हैं कि वर्कबुक एंड वर्क एक्टिव वर्कबुक, ऐसे ही सीट को भी हम दो नाम से जानते हैं, एक है आपका एक्टिव सीट। किसी सीट को कॉल करना है, कॉल करना मतलब किसी सीट पे जाना हो तो कैसे जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें सीट 5 पे क्लिक जाना है, तो सीट को वीबीए तीन नामों से जानता है, तीन तरह से कॉल कर सकते हैं। पहला कि सीट्स, और सीट में हमने दे दिया डेटा डॉट एक्टिवेट भी दे सकते हो और सिलेक्ट भी दे सकते हो, दोनों वर्क करता है। सिलेक्ट एक एक या एक से ज्यादा के लिए होता है और एक्टिवेट सिर्फ एक के लिए होता है, तो हम लोग मोस्टली सिलेक्ट ही इस्तेमाल करते हैं। एक इस तरीके से जा सकते हैं। दूसरा हम यहां पे करेंगे सीट 2 डॉट सेलेक्ट, और तीसरा सीट्स, और यहां पे हम देंगे 2 डॉट सेलेक्ट। तीन तरीका है किसी सीट के ऊपर जाने का। इन तीन तरीकों को समझिए। पहला तरीका है कि आपका कैप्शन नेम, जो डेटा है मतलब कि बाहर जो दिख रहा है, जैसे हमें डेटा दे दिया है, ये जो डेटा बाहर दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग चला है, मैंने बोला डेटा। फिर आती सीट 2 डॉट सेलेक्ट, मतलब कि दूसरा पोजीशन का सीट, सीट का प्रॉपर्टी नेम, सॉरी पोजीशन नहीं प्रॉपर्टी नेम। हर सीट का दो नाम होता है, एक कैप्शन नेम और एक प्रॉपर्टी नेम। कैप्शन नेम बाहर जो आप चेंज करते हैं, जैसे मैंने सीट 3 को मैं अगर मान लीजिए कर दिया मंथ, तो इसका नाम अब मंथ होगा, क्या होगा मंथ होगा इसका। तो अगर मुझे इसको कॉल करना होगा तो हम लिखेंगे मंथ, ऐसे नहीं मारती यहाँ पे शीट शीट, और यहां पे हम देंगे मंथ डॉट सेलेक्ट। सर इसमें एक क्वेरी है मेरा, हेलो आप पूछिए। आप पूछ रहे हो कि सर ये जो कैप्शन नेम गिवन है शीट 1 शीट 2 शीट 3, इस नाम चेंज कर सकते हैं? आप दोनों नाम देखिए, कैप्शन नेम को कोई भी चेंज कर सकता है, कैप्शन नेम को हम भी यहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं अच्छा, पहले मेरी पूरी ये कैप्शन नेम पूरी बात को खत्म होने दीजिए, समझाइए। कैप्शन नेम जो बाहर आपको शीट पे दिखता है वो कैप्शन नेम होता है, ठीक है ना, उसको कर सकता है, इसके लिए किसी कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी नेम होता है जो कि आपको यहां दिखता है, सीट 1 प्रॉपर्टी नेम हुआ, ब्रैकेट में जो है वो आपका कैप्शन नेम हुआ। जैसे यहाँ ब्रैकेट नेम है, बाहर का नेम है उसको कैप्शन नेम। सॉरी सॉरी सर, मैं प्रॉपर्टी नेम के एक्चुअली पूछना चाहता था, प्रॉपर्टी नेम के चेंज। जो प्रॉपर्टी नेम है उसको भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी नेम को चेंज कर सकता है प्रोग्रामर जिसको कोड का एक्सेस हो। कहाँ चेंज करेगा? इसकी प्रॉपर्टी विंडो से। प्रॉपर्टी विंडो नहीं है तो आप इस पे क्लिक करके ला सकते हैं, शॉर्टकट F4 होता है। यहाँ से जो नेम है यहाँ पे देखिए, ये आपकी इसकी प्रॉपर्टी नेम हो गई और इसका कैप्शन नेम हो जाता है इसका सीट। इसका इसका नाम दे सकता हूं, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया सेल्स, इसका नाम हो गया सेल्स, समझे। कॉल करना है तो मुझे इसको सेल्स डॉट एक्टिवेट कर सकता हूं। तो कैप्शन नेम प्रॉपर्टी नेम समझ गए। है उसका सीक्वेंस नंबर, मतलब कि इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर मतलब कि उसका पोजीशन। तो अभी जो है दूसरे पोजीशन में सीट है, आपका डेटा है हमारा। अगर मैं सीट 5 को दूसरे पोजीशन में रख दिया तो हमारी ए जो कोड है, ए वाले जो कोड है इसमें मैं लिंक किया हुआ, वो आपका दूसरे सीट में सीट 5 को एक्टिवेट करेगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करता है। उसको इससे मतलब नहीं है कि सीट का नेम क्या है, प्रॉपर्टी नेम क्या है, उससे पता नहीं, उसका पोजीशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो तीनों नाम समझ में आ गया, और चौथा तो सर इसको बताने की जरूरत नहीं है, एक्टिव सीट, जो सीट एक्टिवेट है। क्लियर है? अब कब यूज करेंगे? जैसे कि अगर आपके पास कोई सीट है उसका नेम फिक्स है, जैसे कल हम लोग क्या करते हैं ना, जैम हम लोग करते हैं रिपोर्ट,
तो जैसे कि महीने के अंत में हमें पिछले वाली रिपोर्ट को डिलीट कर देते हैं, नया शीट इंसर्ट करके नया से रिपोर्ट बनाते हैं, पर हमें पता है कि नाम रिपोर्ट फिक्स रहेगा, मतलब कितना भी डिलीट क्यों ना हो उसका नाम रिपोर्ट ही रहेगा, तो हम इस कोड के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन जैसे कभी कभी क्या होता है, सीट का नेम जैन रिपोर्ट, फैब रिपोर्ट, मार्च रिपोर्ट, हर महीने हम सीट को डिलीट नहीं करते, हमारा फॉर्मेट सेम होता है, हम जस्ट रीनेम कर देते हैं, डेटा चेंज कर देते हैं। तो उस केस में पता है कि उसका नाम चेंज हो रहा है लेकिन उसका प्रॉपर्टी नेम सेम रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी नेम तभी चेंज होगा जब वो डिलीट होगा। तो हम प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग चलेंगे, और उसके बाद अगर हमें, अब जैसे हमें पता नहीं किसी प्रॉपर्टी नेम क्या, जैसे ये देखिए कि एक फोल्डर में 10 फाइलों है, तो हर 10 फाइलों में पांच पांच सीट है, मुझे हर हर फाइल के 10 फाइल के पांचों डेटा उठाना है, नहीं पता कि उसका फाइल का सीट का नेम क्या है, उसकी प्रॉपर्टी नेम क्या है, कैप्शन नेम क्या है, मुझे पांच उठानी है, तो मैं 1 2 3 4 5 सिक्वेंस उठा लूंगा। तो उस केस में हम इसको चलेंगे लेके उसका इंडेक्स। तो सबको क्लियर हो गया सीट को कैसे कॉल करते हैं? यस सर। अब सीट पे होने वाले काम को समझ लीजिए क्या होता है। सीट पे होने वाले काम, जैसे किसी सीट को ऐड करना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सीट्स डॉट ऐड, सीट ऐड कर देगा, लेकिन सीट कहाँ ऐड करेगा? एक्टिव सीट से पहले, मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना है, तो सबसे लास्ट में ऐड करना है तो आपको यहाँ पे देखिए आफ्टर और बिफोर आफ्टर है, तो कॉमा करके आफ्टर करना पड़ेगा, यहाँ लिख देंगे सीट्स और इसमें दे देंगे सीट 4, ये सीट के 4 के बाद ऐड होगा। देखिए मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना है, तो मैं सीट 4 के जगह पे हम यहाँ दे सकते हैं 5, पांचवें सीट पे ऐड, लेकिन मुझे नहीं पता कितने सीट्स हो, यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि सीट्स डॉट काउंट, एक प्रॉपर्टी है सीट की, प्रॉपर्टी है काउंट करके आपको देगा कितना सीट है, उतने सीट के बाद ऐड हो जाएगा। तो ये कोड क्या करेगा, हमेशा एक नई सीट ऐड करेगा, वो भी सबसे लास्ट में, जो कि हम लोग इस पे क्लिक करते हैं नहीं, इस पे क्लिक करने से एक्टिव होता है उसमें ऐड होता है, सबसे लास्ट में सीट ऐड करेगा। जो सीट ऐड हुआ उसका नेम रिनेम करना है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि सीट एक्टिव डॉट नेम इक्वल टू, जो भी नाम देना चाहे तो नाम दे सकते। लेकिन मुझे मंथ नाम का सीट ही ऐड करना है, तो सीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू डीटी, जैसे कि ऊपर हमने वर्कबुक में दिखाया था आपको, वर्कबुक में ना हम डायरेक्ट ऐड करके सेव ही कर लिए थे, उसी तरह से आप सीट को ऐड करके रिनेम कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही सीट ऐड होता है, तो यहां पे आपके पास काउंट का ऑप्शन है कि सीट्स डॉट ऐड, यहाँ देखिए काउंट है, तो आप काउंट पे चले जाएं और बोले मुझे 5 सीट ऐड करना है, तो ये आपको 5 सीट ऐड करके दे देगा, ये आपको 5 सीट ऐड करेगा और आपको दे देगा। जो अब मान लीजिए जो सीट है, अभी सीट जैसे डेटा शीट है, मुझे इसको मूव करना है, डेटा शीट का यहां पे अब इसमें से देखिए नेम कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं जैसे कि अब यहां पे मैं करता हूं शीट 2 डॉट मूव, हमने मूव कर दिया सिर्फ, ये क्या करेगा, इस सीट को उठाएगा, राइट क्लिक करेगा, मूव एंड कॉपी, और इस फाइल को एक नई वर्कबुक में यहां से नया वर्कबुक सेलेक्ट करके मूव कर देगा, समझे? तो डायरेक्ट
एक नई सीट में मूव कर देगा, लेकिन मुझे मूव करना है इसी फाइल, तो किस फाइल के बाद मूव करना है वो आपको यहां देना पड़ेगा। सीट थ्री मूव, हमने बोला कि आफ्टर लास्ट में ऐड ले जाना है, तो सीट या सीट डॉट काउंट दे दीजिए। या फिर मान लीजिए कि हमारे पास कोई अदर फाइल है, न्यू फाइल नहीं है, कोई पुराना फाइल है, कि वो फाइल हमारा एक्टिव, जैसे हमारा ये आपका बुक सिक्स हमारा एक्टिव है, बुक सिक्स में मैं सबसे पहले ले पहले वाले सीट पर रखना चाहता हूँ, सबसे पहला यही होना चाहिए। तो उस केस में सबसे पहले आपको तो बुक सिक्स ओपन होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सीट थ्री डॉट मूव, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे वर्क बुक्स, कौन सा बुक्स, तो बुक सिक्स डॉट एक्सएलएस एम या एक्सएलएस एक्सएलएस एम है मेरा डॉट शीट्स और वन बिफोर है ना, पहले सीट से पहले तो मूव हो। अगर आपको मूव की जगह कॉपी करना है तो सब कुछ सेम रहेगा इसमें, बस आप कॉपी कर सकते हैं। मूव के जगह पे जस्ट कॉपी कर सकते हो। अब इसके बाद आता है कि सीट को, जो हमारा सीट है, इस सीट को मुझे मूव नहीं करना है, मुझे इस सीट को हाइड करना है। तो यहां पे आप लिख देते हैं सीट वन डॉट विजुअल और विजुअल में इक्वल दीजिए, क्योंकि आपका विजुअल प्रॉपर्टी है, तो हिडन आपने कर दिया, तो ये आपका नॉर्मल हिडन है, जो कि आप राइट क्लिक करके हाइड करते हैं, इसको कोई भी अनहाइड कर सकता है। सीट वन डॉट, अगर हमने विजुअल में यहां दे दिया वेरी हिडन, तो क्या होगा कि अब इसको सीट को अगर हाइड हो गई तो इसको अनहाइड करने के लिए खाए तो आपको माइक्रो रन करना पड़ेगा कि विजुअल इक्वल टू एक्सेल सीट विजुअल, या फिर आपको उसको सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी में जाके यहां पे आपको सीट विजुअल करना होगा। नॉर्मल को इसको हिडन अनहाइड नहीं कर सकते, ठीक है सर। बोलिए, इसमें ये जो शीट थ्री डॉट कॉपी शीट फाइव लिखा है और उसके बाद शीट थ्री कॉपी वर्कबुक्स बुक सिक्स लिखा है, तो पहला जो कमांड है ये शीट थ्री कॉपी शीट फाइव को कॉपी करेगा नहीं, और नहीं, दूसरा जो एक शीट थ्री को कॉपी, शीट थ्री को कॉपी करके शीट फाइव शीट पांचवे नंबर शीट के बाद रखेगा। ओके समझे, हाँ ठीक है ठीक है। और यहाँ जो है ये क्या करेगा कि इसको कॉपी करके जो बुक सिक्स ओपन है उस बुक सिक्स के पहले सीट से पहले रखेगा, पहले नंबर सीट के पहले रखेगा, क्योंकि ये आफ्टर कॉमन ही दिया हुआ है बिफोर पे, ये देखिए आफ्टर हाँ, पे है। ओके पे ना, ओके ओके सर, आगे बढ़े। यस सर अभी सीट को हमने हाइड अनहाइड करना सीख लिया, अब आती है बारी सीट को डिलीट करने की। तो मान लीजिए सीट वन को मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिलीट सीट वन डॉट डिलीट, लेकिन जैसे ही इस कोड को रन करोगे आपके पास एक आ जाएगा, ये अलर्ट आ जाएगा, तो माइक्रो आगे बढ़ेगा नहीं जब तक आप डिलीट पे क्लिक नहीं करोगे। तो जब भी आप डिलीट को कर रहे हो तो आपको इस अलर्ट को पास करना पड़ेगा, कैसे, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। तो अब इस लाइन से नीचे कोई जितने भी कोड लिखे रहेंगे उसमें किसी भी तरह का अलर्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी आप डिलीट का कोड लिखे इसका कोड जरूर लिखे। क्लियर है? यस सर।
सुनिए सर, सुजीत सर, हेलो सर, बोलिए, सुन रहा हूँ। सर मैं बोल रहा था कि अपना जो आप लिखा हुआ है कि सीट वन को रेड करने के लिए अगर ये फोन लगाते हैं यहाँ पे तो रेड होगा, क्या हम सीट टू सीट थ्री सीट फोर अदर मल्टीपल सीट को डिलीट करने के लिए क्या यही कॉपी फॉर्मूला कॉपी करके बेच करते जाएंगे उसमें? नहीं नहीं, एक मिनट, आप बोलते हैं कि मुझे एक साथ कई सारे शीट को डिलीट करना, ये बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, तो उसके लिए आपको एरे फॉर्म में सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सीट्स और फिर यहाँ पड़ेगा आपको एरे और फिर इन्वर्टेड कॉमा में सारे शीट्स को लिख दीजिए, शीट वन कॉमा शीट टू जितने भी शीट्स हैं आपको कॉमा। अच्छा, एरे लगाना पड़ेगा। हाँ, शीट थ्री इस तरह से। किसका कैप्शन नेम, उसके बाद इसके ऊपर आप डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए, एक ग्रुप हो जाएगा आपका। बाहर भी तो ऐसे ही करते हैं ना सर, जैसे मान लीजिए कई सारी शीट्स, आप एक बार मैंने रिकॉर्डिंग चला देता हूँ, नेवर टू रिकॉर्ड, एक साथ कई सारे पहले स्टॉप ब्रेक होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक साथ कई सारे शीट को सिलेक्ट करना है तो आपका एरे फॉर्म में सिलेक्ट होता है। और सर सीट को प्लस करने के लिए कोई फॉर्मूला है क्या? प्लस मतलब सीट ऐड करने के लिए, सीट ऐड करने के लिए आप बताया ना, सबसे पहले तो बताया मैंने, जैसे सीट, जैसे सीट वन है, सीट टू प्लस करने के लिए, सीट टू ही होगा ना आपको, ऐड सीट डॉट ऐड करेंगे वो ऐड कर देगा, सीट टू हो, सीट थ्री हो, सीट फाइव हो। अच्छा हाँ, ठीक है सर, हाँ हाँ ठीक है मल्टीपल सीट सेलेक्ट। अब बात आती है बारे सीट को प्रोटेक्ट करने की, तो जी डॉट प्रोटेक्ट और इसके बाद पासवर्ड दीजिए, उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स देना है। किसके लिए? जब आप सीट को प्रोटेक्ट करते हैं, जब भी आप सीट को प्रोटेक्ट करते हो तो चेकबॉक्स है कि किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है। जब मुझे सॉर्टिंग अलाउ करना है तो आपको प्रोग्रामिंग में जाके यहां देना होगा, मुझे यहां पे अलाउ सॉर्टिंग इक्वल टू ट्रू। अब यहां पे एक चीज और आती है, सिर्फ इसी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, कहीं भी आप लिखोगे तो यहां पे बहुत सारे आपके मेंबर्स आते हैं। अब आप देखिए मुझे अलाउ सॉर्टिंग के लिए कितने कॉमा डालने पड़े, सर ना, इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, क्या है देखिए कि सीट वन या सीट टू डॉट, सीट टू था नहीं, सीट थ्री डॉट प्रोटेक्ट, उसके बाद मुझे यहां पे पहले पासवर्ड, यहां पे देना है पासवर्ड जितना भी सबको लिखना पड़ेगा, फिर आपको इक्वल टू मान लीजिए मैं 123 कर दिया कॉमा, अब मुझे यहां पे लिखना है अलाउ सॉर्टिंग, बोल हो गया ना जी, ठीक है। और एक चीज कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे स्मॉल लेटर या फिर कैप्स लेटर में, टाइटल केस में नहीं करेंगे, ऐसा इसलिए कि जैसे आप लाइन को नीचे मारेंगे आपका हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, जिसका कैपिटल हुआ इसका मतलब है, टाइटल किसने गया इसका मतलब है कि आपकी कोड सही है, लेकिन अगर मान लीजिए स्मॉल लिखा हुआ स्मॉल ही रह गया, मतलब कि वो कोड एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर आपने कहीं पे स्पेलिंग की मिस्टेक। सर ये जो इक्वल टू डबल डॉट किया है पासवर्ड और अलाउ शॉर्टिंग के बाद, हाँ, तो कंपलसरी वही करना है या ये नहीं वही करना है, पैटर्न है सर। हाँ, ओके, क्योंकि इक्वल तो प्रॉपर्टी के लिए होता है ना, सेमीकोलन समझता है कि दिस इज द प्रॉपर्टी डिटेल्स, मुझे प्रॉपर्टी के डिटेल्स डालना है, और जब तक वो डालोगे नहीं तब तक वो बोल्ड ही नहीं होगा, समझ गए ना, देख रहे पासवर्ड बोल्ड होना भाई आपका,
अगर मैं ये हटा देता हूं तो ये आपका बोल्ड ही नहीं होगा, समझ गया? ओके जब तक ये लगाओगे तब तक आपका बोल्ड ही नहीं होगा, ये लगाना जरूरी है। तो सीट पे भी काम, सीट पे हम क्या, हमने क्या किया, हमने सीट को सिलेक्ट करना सीखा, हमने मल्टीपल सीट को सिलेक्ट करना सीखा, ठीक है। उसके बाद सीट ऐड करना सीखा, रिनेम करना सीखा, मल्टीपल सीट एक टाइम में ऐड करना सीखा, सीट को मूव कर, सीट को कॉपी करना सीखा, सीट को हाइड अनहाइड करना सीखा, उसके बाद हमने सीट को डिलीट करना सीखा, उसके बाद हमने सीट में पासवर्ड डालना सीखा। सीट के साथ इतना ही करते हैं ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं करते ना? नहीं नहीं तो ये सीट की कॉलिंग रिकॉर्ड हो गई। अब अगला जो लास्ट हमारा आता है वो है रेंज। हमने वर्कबुक सीख लिया, रेंज सीख लिया, तो रेंज के भी कई सारे नेम है। पहला है, दूसरा है सेल, उसके बाद आता है सिलेक्शन, और उसके बाद आता है यहाँ पे एक्टिव सेल। ये चार नामों से जाना जाता है आपका रेंज। तो चलिए वन बाय वन इसको भी सीखते हैं। जैसे कि हमने यहां पे लिखा रेंज ए वन डॉट सेलेक्ट, या एक्टिवेट भी कर सकते हो आप, तो एक्टिवेट सीट के लिए होता है, ठीक है। तो एक तरीका और है इसको लिखने का कि सेल्स वन कॉमा वन डॉट सेलेक्ट। वन कॉमा वन मतलब कि रो एंड कॉलन वन, जैसे यहां पे कर्सर हुआ तो आपका हो जाएगा तीन रो और दो कॉलन, तो यहां पे आपका हो जाएगा थ्री और कॉमा टू, ठीक है। आर वन सी वन रेफरेंस स्टाइल में चलता है। सर इसमें तीन कॉमा जीरो कर देंगे तो तीसरा रो हो जाएगा और जीरो कॉलम, मतलब नहीं जाएगा, वन से स्टार्ट। अच्छा वन से ही होगा, जीरो नाम का, जीरो नंबर को रो और कॉलम थोड़ी होता है। नहीं ऑफसेट में हम यूज करते हैं, ऑफसेट तो सेम कॉलम में जहां लगा है वहीं पर रहने के लिए जीरो दिया जाता है, कभी कहीं नहीं बढ़ना वहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पे ए, अब यहां पे ए1 देना पड़ेगा ना, ए0 तो नहीं देंगे यहां पे। मुझे ए हो गया सिलेक्शन। अब मान लीजिए एक से ज्यादा रेंज सिलेक्ट करना है तो यहां लिखेंगे रेंज ए वन से लेके ए ट्वेंटी, और जो हमने सिलेक्ट कर लिया तो उसको हम कर सकते हैं सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन इक्वल टू सिलेक्टेड एरिया, मतलब ए वन से ए ट्वेंटी, तो सिलेक्शन डॉट हम कॉपी लिखेंगे। तो आपने रिकॉर्डिंग माइक्रो में देखा होगा, या देखी देखा होगा कि यहाँ पे देखिए, जब भी हम रिकॉर्डिंग माइक्रो करते हैं तो जैसे कि हमने माइक्रो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, रिकॉर्ड कर, ठीक है ना, और हमने एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लिया। इसका कोड क्या बनेगा, रेंज ए वन डॉट सिलेक्ट और यहाँ पे सिलेक्शन डॉट कॉपी। तो सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो इस लाइन से पहले एरिया सिलेक्ट किया गया, तो सिलेक्शन जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाया था ऊपर में कि आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन क्यों होता है, सिलेक्टेड एरिया का। और यहां पे आपका एक्टिव सेल तो आपको पता ही है। बात आती है जैसे कि आपने यहां पे लिख दिया कि रेंज ए वन सिलेक्ट, इसका मतलब हुआ कि जो एक्टिव सीट है रन करते समय जो सीट एक्टिव होगा उसका ए वन। लेकिन मान लीजिए मुझे सीट वन का ए वन जाना है, तो दो एक तरीका है आपको कि आपको सबसे पहले तो यहां पर लिखना पड़ेगा कि सीट्स, और फिर यहां पे देना पड़ेगा कि सीट वन डॉट सिलेक्ट या एक्टिवेट, पहले उस सीट को एक्टिवेट करना होगा, उसके बाद आपको रेंज ए वन को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन वो किसी अलोतर फाइल से बुक टू या बुक थ्री का, बुक सिक्स का है, तो आपको इससे पहले लिखना पड़ेगा वर्क बुक्स, और इसमें बुक्स यहां पे बुक सिक्स डॉट सेलेक्ट, बुक सिक्स डॉट
XLSM जो एक्सटेंशन होगा उसका, एक्टिवेट। तो पहले आपको वर्कबुक को एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर उसको सीट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, देन जाके रेंज को सिलेक्ट कर पाएंगे, प्रोसेस चलना पड़ेगा। समझ गए, ये समझ में आया कि नहीं सर आप लोगों को? यस सर। तो डायरेक्ट रेंज ए वन कर दिया, मतलब कि एक्टिव शीट, एक्टिव फाइल की एक्टिव शीट। किसी अनदर शीट चाहिए तो सीट का रेफरेंस इससे पहले देना पड़ेगा, किसी अनदर फाइल का देना होगा तो अनदर फाइल का, तो अनदर फाइल की अनदर शीट के सेल। अगर मान लीजिए कि आपने वर्कबुक वर्कबुक नहीं दिया, मतलब कि एक्टिव फाइल का शीट वन फाइल नेम दिया, तो पर्टिकुलर बुक सिक्स का शीट वन। मुझे अब उसी तरह से मान लीजिए मुझे एक रेंज पे एक वैल्यू को टाइप करना है, तो वैल्यू टाइप करने का ऑप्शन होता है कि रेंज रेंज ए वन डॉट वैल्यू इक्वल टू 65। देखिए मुझे सीट सीट वन के रेंज वन में चाहिए, इसलिए लिखेंगे यहां पे कि सीट वन रेंज वन ए वन डॉट वैल्यू इक्वल टू 65। अब यहां पे आप बोलोगे सर यहां हम सिलेक्ट करने के लिए तो वन बाय वन आए थे, बट हमने इकट्ठा लिख दिया। तो जो आपका जो एक्शन है, मतलब कि जो आपका मेथड है, उसमें तो आपको एक्शन और मेथड में तो आपको वन बाय वन ही चलना पड़ेगा, बट प्रॉपर्टी के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें टाइम लाइन देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी अनदर फाइल का है तो हम यहां पर इकट्ठे लिख सकते हैं, समझे? जैसे कि यहां पे हमने देखा था कि पेस्ट स्पेस हमने किया हुआ था, तो रेंज वन डाउन किया था, इसके पहले हमने सीट डेटा को सिलेक्ट किया था, डेटा डिड सिलेक्ट किया था सर। मुझे इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, हम इस कोड को इस तरह से भी लिख सकते थे। देखिए दाता हूं आपको, और इसके आगे हम वर्क इस पे क्या बोलते हैं वर्कबुक भी लगा सकते हैं। एक्शन और आपका प्रॉपर्टी का, ये दोनों एक पे इस तरह से किया जाता है। तो सर आज के लिए इतना ही।